नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं शादी विवाह अनुदान, जो कि 51,000 रुपये एक मुश्त दिया जाता है, उसको आप कैसे ले सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। जानकारी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करिए दोस्तों, जिससे आपको इसी तरह के सारे वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट मतलब 46,000 से कम है, यानी कि आप जो है गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा यहां पर आपको जो है 51,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाती है अपनी पुत्री या बहन बेटी की शादी या विवाह के लिए। दोस्तों, इसके लिए आपको ऑनलाइन तरीके से सबसे पहले आवेदन करना होता है। उसमें क्या क्या कागजात लगेंगे, सारे जो है जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जो है वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां पर जैसे क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो है इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहां पर आपको शादी अनुदान लिखकर जैसे सर्च करेंगे तो आ जाए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे उस पर आ जाएंगे दोस्तों। तो यहां पर जैसे ही आप आते हैं, उसके बाद में आपके सामने इस तरह का होम पेज आ जाता है। आप जो है यहां पर जिस भी वर्ग का अप्लाई करना चाहते हैं, सामान्य अनुसूचित यहां पर कैटेगरी के हिसाब से आप सिलेक्ट लेंगे। उसके बाद आवेदक का विवरण यहां पर आपको देना होगा, कुछ स्टेप में ये फॉर्म फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर देखना होगा यहां पर क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहां पर दोनों जो है पुत्री और आवेदक की यहाँ पर फोटो लगेगी, और उसके बाद में शादी का प्रमाण जो है शादी का कार्ड होता है वो अपलोड करना होगा दोस्तों। आय प्रमाण पत्र जो कि 46,000 से नीचे इनकम का होना चाहिए, बैंक पासबुक, इस तरह से जो है कुछ डॉक्यूमेंट आपको जो है तैयार करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शादी की जो है डेट यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले शादी की डेट डाल ली, उसके बाद में आपने जनपद सेलेक्ट करना है, जो भी जनपद है आपका, जिस भी जनपद से अप्लाई कर रहे हैं वो जनपद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर शहरी या ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में आपको किस तहसील में आता है वो तहसील सेलेक्ट करनी है, फिर आपका विकास खंड, उसके बाद आपको अपना ग्राम पंचायत यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें आपका जो भी गाँव या मजरा लगता है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आपने ये पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर पूर्ण स्थायी पता भी यहाँ पर आपको देना है, जो कि आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, आप जो है जो भी आपने पता सेलेक्ट किया है उसको आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपका कुछ और डिफरेंस है तो यहाँ पर उसको जो है टाइप कर देंगे। उसके बाद पिन कोड देना है दोस्तों, पिन कोड यहाँ पर आप दे सकते हैं। पिन कोड देने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है आवेदक का फोटो जो है अपलोड करना है जेपीजी फाइल में यहाँ पर, और जो है आवेदक उसकी जो जिस पुत्री के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा। तो फोटो यहाँ पर दोस्तों आपको सजेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर जो है अपलोड करने के लिए आपको जो है सबसे लास्ट में अपलोड करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा पूरा प्रोसेस करने में कई बार ये जो है फोटो जो अपलोड करते हैं या डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो हट जाते हैं। तो इसलिए पहले आपको पूरा आवेदन फॉर्म भर लेना है, उसके बाद ये जो है डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर अब नीचे आते हैं आवेदक का नाम, आधार कार्ड देख लेंगे, उसमें जो है आवेदक यहाँ पर जो भी है माता पिता या भाई बहन उसका जो है यहाँ पर आवेदक का आपको नाम देना है। उसके बाद पुत्री का नाम जिसके लिए आप जो है आवेदन कर रहे हैं, उस पुत्री का नाम जिसका जो है शादी होना है या हो चुका है दोस्तों, 3 माह के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने नाम दे दिया, उसके बाद यहाँ पर वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहचान पत्र की फोटोकॉपी, यहाँ पर आप जो है आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी अपलोड नहीं करना है, लास्ट में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर जो है उसके बाद आवेदक के पिता का या पति का नाम, पिता जो आवेदक है उसका पिता या पति का नाम, उसका जो है लिंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पुत्री का जो है पिता पति कौन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। पति पिता का नाम यहाँ पर देना है आपका, पुत्री के पिता का नाम, यहाँ पर पति के पिता का नाम दे देना है दोस्तों। इसके बाद है आवेदक विधवा या विकलांग है तो यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विधवा या विकलांग का विवरण यहाँ पर देना है, नीचे आपको मोबाइल नंबर एक देना है, मोबाइल नंबर दे देंगे। अब आपको जो है शादी का विवरण नीचे देना होता है। तो शादी के विवरण में सबसे पहले आपको वर का नाम, वर का एड्रेस यहाँ पर देना होगा। तो वर का नाम आप आधार कार्ड में देख कर ही भरेंगे, उसके बाद यहाँ पर वर का पूरा पता यहाँ पर आपको जो है भर देना है। उसके बाद पुत्री की जन्मतिथि, तो यहाँ पर पुत्री की जन्मतिथि कितनी है दोस्तों, पुत्री जो है कम से कम 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी हो तभी आप जो है शादी करने के बाद इसके जो है एलिजिबल हो सकते हैं, तभी आपको जो है ये राशि जो है मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है आप डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर शादी कार्ड का विवरण दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो वार्षिक आय विवरण पर देना होगा, कितनी वार्षिक आय है वो सेलेक्ट कर लेंगे। आय प्रमाण पत्र संख्या भर देंगे, नीचे आपको जो है बैंक का विवरण देना है। तो यहाँ पर बैंक का विवरण देने के लिए आपको जो है सबसे पहले आपको
ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको जो है बैंक सेलेक्ट करना है, बैंक सेलेक्ट करने के बाद ब्रांच, ब्रांच के बाद आपको आईएफएससी कोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको खाता संख्या डालनी है। अब दोस्तों आपने जो है सारा फॉर्म भर लिया, उसके बाद अब यहाँ पर अटैचमेंट आपको करना है। तो अटैचमेंट में सबसे पहले आवेदक का फोटो यहाँ पर स्कैन कर लेंगे जेपीजी फाइल में, वो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पुत्री का आपको जो है फोटो स्कैन करके रखना है, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इसको आपने अपलोड कर लिया। अब नीचे आएंगे यहाँ पर पहचान पत्र में, पहचान पत्र में आप जो है पीडीएफ फाइल में जो है 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट साइज, आप उसको जो है स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। नीचे आएंगे आप पुत्री, यहाँ पर आपको जो है शादी की उम्र जो है डेट सत्यापित करने के लिए यहाँ पर आप शादी कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है शादी का कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है पुत्री की उम्र सत्यापित करने के लिए यहाँ पर अगर आपका मार्कशीट है हाई स्कूल का वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको शादी का कार्ड अपलोड करना है दोस्तों। शादी कार्ड अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर वार्षिक आय वाला जो है आपने इनकम सर्टिफिकेट स्कैन कर रखा होगा जो है पीडीएफ में ही, सारे फोटो के अलावा जितने भी आपको डॉक्यूमेंट है वो आपको पीडीएफ में स्कैन करने होंगे। तो स्कैन करने के बाद ये जो है एक एक करके सब अटैच कर देंगे, बैंक पासबुक और ये जो है इनकम सर्टिफिकेट सब अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा शो हो रहा है, इस पर कैप्चा पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद सबमिट करते हैं दोस्तों। तो जैसे ही सबमिट करते हैं, कुछ देर वेट करते हैं, आपको जो है यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं जो है क्या दिया गया है अपलोड करने का साइज वगैरह। तो सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने ये आवेदन संख्या जनरेट हो जाती है। यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, ये SDM में वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया जाता है जब आप फाइनल लॉक करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है जब तक इसका आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भी मिल गया दोस्तों। तो यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है ऊपर। फिर यहाँ पर दिया गया है यह आवेदन वीडियो SDM के कार्यालय में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। अभी यहाँ पर आवेदन पत्र संशोधन के लिए खुला हुआ है, अगर यहाँ पर आपने जो है कुछ त्रुटि की है तो इसको जो है एडिट करने के लिए एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर उसका जो है यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, उसके बाद फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसको जो है फाइनल सबमिट करेंगे। तो फाइनल सबमिट करने के लिए आवेदन पत्र संशोधन या फाइनल सबमिट करें, इस पर वापस जाकर आपको लॉग इन करना होगा। तो यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे, यूजर आईडी आपका जो ऊपर नंबर आया है रजिस्ट्रेशन नंबर वो डाल देंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर और जो पासवर्ड आपका ऑटो जनरेट हुआ है वो यहाँ पर आप भर देंगे। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर देते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालते हैं, वो डाल दिया दोस्तों। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालते हैं, बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद जो हमारा पासवर्ड बना हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नीचे जो है हमारा कैप्चा आ गया, तो कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद लॉगिन करते हैं। तो जैसे लॉगिन करेंगे आपको जो है एक पासवर्ड बनाने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने ऑटोमेटिक यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए आ गया। तो यहाँ पर करंट पासवर्ड आपका पहले से है वो डाल देंगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड आप जो रखना चाहते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है स्ट्रांग तरीके से एक पासवर्ड बना लीजिए, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड करेंगे। उसके बाद में आपको जो है नीचे जो कैप्चा शो हो रहा है, जो नंबर शो हो रहे हैं वो नीचे फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर पासवर्ड चेंज्ड हो चुका है। अब आपको जो है दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करना है, तो सारी डिटेल फिर करेंगे, नया पासवर्ड बनाया वो डालेंगे, लॉगिन करते हैं। जैसे ही यहाँ पर आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पर इस तरह से शो हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका आपने प्रीव्यू देखा, अगर कोई एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट फॉर्म वाले ऑप्शन पर ऊपर क्लिक करेंगे, अगर जो है फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं है तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आपने क्लिक किया है, उसके बाद में जैसे ही क्लिक करते हैं फाइनल सबमिट पर, फिर आपके सामने जो है एक प्रिंट जो है फाइनल सबमिट होने के बाद एक प्रिंट आ जाता है, यहाँ पर पेज आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो SDM के कार्यालय में जमा करने हेतु। तो इसको जो है 21 दिन के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं, उसके 21 दिन के अंदर आपको जो है नजदीकी ब्लॉक कार्यालय ऑफिस में वीडियो के पास आपको जमा करवा देना। तो इसको प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद में आपने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर जो भी रखे हैं अटैच करके, वो सारे डॉक्यूमेंट आप जो इनका एक फोटोकॉपी साथ में लगाकर आपको जो है वीडियो कार्यालय में जमा करवा देना है। तो इस आवेदन फार्म के साथ आपने जो है आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड, बर का आधार कार्ड, जो है आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक आवेदक की, शादी का कार्ड और जो है इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक वगैरह, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट संबंधित हैं उनका एक फोटोकॉपी करके पूरा सेट तैयार करना है। 21 दिनों के अंदर आपको BDO के पास जमा कर देना है। वहां से जो है कुछ दिनों के बाद वो जो है फाइनल रिपोर्ट लग जाती है। उसके बाद आपका जो है बजट के ऊपर, जैसे ही बजट आता है उसके बाद आपका पेमेंट जो है डायरेक्ट आपके खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पर 51,000 रुपये को एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों अगर आप इसके एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई करिए, कोई भी कठिन प्रक्रिया नहीं होती है, इसको आप जो है अप्लाई करके आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए दोस्तों, जिससे आने वाले सारे वीडियोज आपको समय समय पर मिल